ये QSC का ई सीरीज़ है, ये 112, इसमें 12 इंच का एक स्पीकर है और ये 400 वाट में है। ये हमने क्या है, ये वाला स्पीकर और उधर एक दूसरी तरफ, एक्चुअली जो स्पीकर की प्लेसमेंट है वो होती है माइक के डिपेंड पे। अब माइक हमारे वहाँ पे लग रहे हैं पोडियम पे, यहाँ पे, तो उससे हमने आगे लगाया है ये वाले जो, अब उससे आगे हमने माइक को लगाया है और एक माइक वहाँ पे फीडबैक पे दे दिया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक स्पीकर सॉरी। अब ये जो हमने जो दोनों फ्रंट के हैं वो एक चैनल पे रखे हैं एम्पलीफायर के, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, पैच कर रखा है स्पीकोन के थ्रू। अब एक स्पीकोन ये यहाँ से गई है, एक तो एम्पलीफायर से इसमें आई है और एक स्पीकर के लिए, एक एम्पलीफायर से आ गई, एक स्पीकर के लिए यहीं से चलेगी। हमने पूरा इसको घुमा के यहाँ से पूरा वहाँ से ले जाके वो पीछे की तरफ उस स्पीकर में दे दिया है, वो वाला स्पीकर जो है ये वाले स्पीकर में। एक्चुअली हमारी जो गैदरिंग थी वो सारा यहाँ पे थी, सामने यहाँ पे गैदरिंग थी और कुछ यहाँ पे थी और कुछ थोड़े बहुत यहाँ पे थी, तो उसके लिए फीडबैक, एक स्पीकर हमारा ये फीडबैक में लगा हुआ है मेरा बिल्कुल, अभी इसको अनपैक किया, इसकी पॉलिथीन भी लगी हुई है। ये सेम QX E112 400 वाट में, ये अब मैं आपको एक, ये यहाँ पे पोडियम पे घुसनेक है, ये घुसनेक जो हमारे बे डायनेमिक के हैं, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये बे डायनेमिक के घुसनेक है, मेड इन चाइना लिखा हुआ ऐसे, और हमारा एक स्पीकर वो रहा जो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था, एक स्पीकर ये है। हमारे जो दोनों स्पीकर्स हैं ये हमारे माइक से आगे हैं, जो हमारा फीडबैक नाले, इसलिए हम पोडियम से माइक से, माइक की प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा माइक स्पीकर हमने उसके पीछे ले रखा है वहाँ पे, जो जो यहाँ पे पोडियम पे बोल रहा है उसको सुनाई दे, वो वाला स्पीकर ये वाला। अब मैं आपको ले चलता हूँ, अब हम ये दो XLR टू XLR के थ्रू हमने पोडियम पर लिख गए थे, ये सारी हमारी लीड जा रही है यहाँ से। अब मैं आपको एक बार दिखा, ये स्पीकर का आ रखा है, स्पीकर का हमने आप देख सकते हैं एक उधर से जो पैच हो रखा है, इसलिए इसमें एक लगा है, एक स्पीकर ये वाला। अब मैं आपको एम्पलीफायर के पास लेके चलते हैं, हमारी ये लीड गई यहाँ से, इसमें हमने एक ये कोर्डलेस लगा रखा है, ये कोर्डलेस हमने बाहर रखा है, XLR टू XLR केबल, ये हमारा पूरा सिस्टम अंदर है पर हमने कोर्डलेस बाहर रखा है। ये कोर्डलेस का मॉडल है QLX D, ये वाला। मैं एक बार इसमें बोलता हूँ, ये मैंने ऑन कर दिया, ये ऑन करते हैं, ये ऑन करते हैं, इसमें ऑडियो आ रही है, ये वाला बंद कर दिया, अब इसमें हमने क्या है, ये स्पीकर हमने कनेक्ट करी है, स्पीकर से जो कनेक्ट हो गया,
ये हमारी लीड जो कंप्लीट की थी, एक और दिखा देता हूँ। ये हमारा स्पीक ऑन जॉइंटर, ये हमने जॉइंटर के थ्रू स्पीक ऑन टू स्पीक ऑन, हम ज़्यादातर स्पीक ऑन टू स्पीक ऑन बना के रखते हैं, उसको जॉइंट करने के लिए स्पीक ऑन जॉइंटर। उसके बाद फ्रेंड्स, अब ये हमारा हो गया लोड, हमने दे दिया स्टीरियो में जोड़ रखा है। अब इसमें हमने क्या कर रखा है, जो फीडबैक में हमने दे रखा है कि उसको हमने रखा है दो चैनल पे, हमें क्यों बिल्कुल सेपरेट, क्यों हमें कल लगे अगर फीडबैक पकड़ रहा है, होलिंग आ रही है, तो हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हमने जो फ्रंट के जो रखे हैं वो रखे हैं एक चैनल पे, एक नंबर पे, तो उसका हमने फुल दे रखा है यहाँ पे। तो ये इसलिए रखा है कि दोनों को सेपरेट सेपरेट फीडबैक हो, और हमने जो स्पीकर है मेन स्पीकर आउटडोर आराम से हमारा कंट्रोल कर सके। ये QSC का RMX 4050 ये है, ये 8 ओम पर, ये 800 वाट आउटपुट है इसकी। तो हमने जो दिया है वो 400 वाट का स्पीकर है, ये वाला मॉडल है E112 QSC। ये फ्रेंड्स आप देखोगे तो ये रहा 8 ओम 400 वाट में। और इसका मैं आपको थोड़ी सी प्राइसिंग लिस्ट और दिखा देता हूँ, ये 64,000 की MRP है इसकी। ये रहा QSC का हम, और QSC के अलावा ये हमारा आ जाता है मिक्सर यूनिट पे। मिक्सर में हमने ये दो जो यहाँ पे लगाए हैं, दो और तीन में, ये वाली XLR टू XLR के थ्रू जोड़ा है गुजनक माइक, और इसमें फैंटम हमने दिए, ये फैंटम से चलते हैं, तो गुजनक माइक में फैंटम दे दिए हैं। और उसके बाद यहाँ से ये दोनों को ऑन करके, ये दोनों ऑन हो जाते हैं, पोडियम हम यहाँ से ऑन कर दिए। उसके बाद ये तीन नंबर पे यहाँ पे ये जो हमने जोड़ा है, जो बाहर हमने अपने कोर्डलेस रखा है, वो बाहर रखा है जो रिसीविंग में कटे ना आवाज़, उसकी XLR टू XLR के थ्रू हम यहाँ पे मिक्सर अंदर लिए हैं इसको, और हमने यहाँ पे लगा दिया। इसका कम रखा है हमने गेन, क्योंकि इस कोर्डलेस में बहुत ज़्यादा गेन होता है, गूंजने में थोड़ा कम होता है, गूंजने का थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है ये। उसके बाद हमने ये एक लैपटॉप लगाया है ये नेशनल एंथम चलाने के लिए, तो नेशनल एंथम चलाने के लिए हमने ये लगाया है PL2 स्टीरियो PL, ये 45 जैक है, ये वाला होता है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये हमने लेफ्ट राइट दो बना रखे हैं ये वाले, और दूसरी साइड जो लीड लगाई थी वो हमारी ये वाली 3.5 mm जैक। तो इसका लेफ्ट और राइट ये लीड बना रखी है। इसका अगर आप चाहें वीडियो, तो इस लीड्स के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तब आपको कनेक्शन बता दूंगा इसका। तो ये लीड हमने एक बना रखी है, इसमें लगा रखी है, और ये इसका होगा मास्टर, हमने यहाँ से आउट ले रखा है। इसका लेफ्ट राइट हमने इसके एम्पलीफायर के लेफ्ट राइट में दे दिया है, और ये हमारा कोर्डलेस था। तो फ्रेंड्स यही था आज हमने जो जो लगाया, मेन जो भी हम PA सेटअप करते हैं उसमें हमारा स्पीकर की प्लेसमेंट रहती है, कि कहाँ कौन सा स्पीकर रखना है, वो फोर स्पीकर डिपेंड करते हैं हमारे माइक के ऊपर, कितने माइक लगा रहे हो, माइक कहाँ पे प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही था हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कोई आपको शिकायत या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट्स कर सकते हैं, और मिक्सर के बारे में कुछ पूछना है तो मेरा एक दूसरा वीडियो आप उसको जाके देख सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।